लखनऊ में वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मुहिम शुरू हो गई। जुमे की नमाज के दौरान खुतबा में बिल के संबंध में नमाजियों को बताया गया। ऐशबाग स्थित ईदगाह की मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के साथ नमाजियों ने QR कोड स्कैन करके विरोध दर्ज कराया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स की और आवाम की राय मांगी है, तो उस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाम की आसानी के लिए और इसके लिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की राय JJBC तक पहुंचे, एक QR कोड जारी किया है जिसके कि जरिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मस्जिद के बाहर ये QR कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि लोग इसके ज़रिए से अपनी राय JPC तक भेजें। तो आप हजरात ने देखा कि आज लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर लोग इस पर अमल कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान अपनी राय JPC तक भेजेगा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। जुमे की नमाज में खुतबे में नमाजियों को बिल की खामियों के बारे में जानकारी दी गई। आम मुसलमान जिनको बिल के बारे में बहुत सी बातों की जानकारी नहीं थी उनको अवगत कराया गया। मौलाना रशीद फिरंगी ने कहा कि बिल संविधान विरोधी है, मौजूदा समय में वक्फ संशोधन बिल की कोई जरूरत नहीं। जाहिर बात है इसमें जो भी राय है वो जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो अमेंडमेंट उन अमेंडमेंट से पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी मुस्लिम तंजीम मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसमें खासकर जो वक्फ बाय यूजर जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो ख़त्म करने की बात कही जा रही है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग का मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं और हम लीगल एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के अगेंस्ट हुए। मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उनकी तरफ से तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वक्त तरमीमी बिल जो 2024 सरकार ला रही है इस सिलसिले में अपनी राय दें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने QR कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इसको और कोड को स्कैन करके अपनी राय दें। वक्फ संशोधन बिल का QR कोड के जरिए जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है सीधे JPC को जा रहा है, इसका रिकॉर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी रहेगा। लखनऊ समेत पूरे भारत से करोड़ों की संख्या में मुसलमान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई है तो जगह जगह हर मस्जिद के अंदर इसके ऐसे स्कैन लगे हुए हैं और सारे मुसलमान अपनी राय जो है दे रहे हैं और मस्जिदों के अंदर मौलाना के जरिए और इमाम के जरिए बताया गया है कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड की जो अपनी जगह है वो जगह है किसी और की जगह या गवर्नमेंट या किसी की नहीं है, वो वक्फ की जगह मुसलमानों की अपनी जगह है। जो राय जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है उसी राय को हम लोग जो JPC को आगे जो फॉरवर्ड की जा रही है और ये अपील की जा रही है जिस तरीके से वर्क बोर्ड के जो बना हुआ था सिस्टम उसी तरीके से बना रहे, इसमें कोई तब्दीली न की। अभी देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्त के ताल्लुक से जो अपनी राय मांगी है उसी के ताल्लुक से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड जारी किया है उसके ताल्लुक से यहाँ पर एक QR कोड को स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक में और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के साथ इश्तराक करके यहां पर लोगों की सहूलियत के लिए QR कोड स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम जारी है। लखनऊ में बड़ी संख्या में नमाजियों ने QR कोड को स्कैन करके वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुस्लिम धर्मगुरु के मुताबिक सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे भारत से करोड़ों की संख्या में मुसलमान अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं।